दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव, सत्य का प्रतीक, द बीएनवाई न्यूज। आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पेश किया, और नागरिकता संशोधन बिल पेश करते ही लोकसभा में भारी हंगामा देखा जा रहा है और बहस जारी है। इस नागरिकता संशोधन बिल में कहा जा रहा है कि जो शरणार्थी 6 साल से भारत में हैं और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक समुदाय के आए हैं शरणार्थी, उन्हें फायदा पहुंचेगा। हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन जातियों को, इन समुदाय के लोगों को नागरिकता संशोधन बिल में फायदा पहुंचेगा। उधर लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन झा ने काफी विरोध जताया और साथ ही साथ संविधान को खतरे में होने की बात कही। लोकसभा में सदस्यगण अपनी अपनी बात रख रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा माना जा रहा है लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास आज हो जानी तय है। जदयू, एलजेपी, भाजपा, अकाली दल समर्थन में खड़े हैं, अन्य कांग्रेस के साथ विरोध में खड़े हैं। देखना यह है कि नागरिकता संशोधन बिल के आ जाने से राजनीति किस करवट घूमती है और क्या इस नागरिकता संशोधन बिल में शरणार्थी जो हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख को कितना फायदा पहुंच पाता है, और मुस्लिम समुदाय को छोड़ क्या राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी है इस बिल के माध्यम से, यह स्पष्ट पास होने के बाद पता चल पाएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। बोले धन्यवाद।